समाजवादी पार्टी के सांसद आदम खां के साथ पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सभी को 2 मार्च तक न्याय हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले बुधवार को आदम खां के साथ पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आदम खां ने DJ सिक्की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट के उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्याय हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि आदम खां ने 20 मामलों में जमानत दायर की थी। कई मामले में तो जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन बेटे अब्दुल्ला आदम के फर्जी प्रमाण पत्र 2 पासपोर्ट के मामले में धारा 420 के तहत मामले में जमानत याचिका खारिज की गई है। अब उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा। SP रामपुर ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आकांक्षा जताई है। कहा, आदम खां को जेल भेजने की जगह न्याय जिले